आज ये सभी लोग पैसों के लिए मौत के खेल खेल रहे हैं। ये रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम है। अब गेम शुरू होता है। ये डॉल रेड लाइट ग्रीन लाइट बोलती है और सभी आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे ही डॉल रुकती है तो सभी रुक जाते हैं। डॉल हर किसी को देखती है, जो भी हिलता है उसे गोली लगती है और वो मर जाता है। फिर ये देखकर सब में अफरा तफरी मच जाती है। सारे प्लेयर्स डरकर इधर उधर भागते हैं और डॉल के सामने हिलने की वजह से वो भी मर जाते हैं। कुछ लोग समझ जाते हैं और हिलना बंद कर देते हैं। डॉल वापस मुड़कर रेड लाइट ग्रीन लाइट बोलने लगती है, तभी बाकी सब आगे बढ़ते हैं। फिर से वही सब होता है, जो भी डॉल के सामने हिलता है तो मर जाता है। अब धीरे धीरे समय खत्म हो रहा था, इसलिए प्लेयर्स जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। कई सारे प्लेयर लाइन को क्रॉस करके सेफ एरिया में पहुंच जाते हैं। ये लड़का लाइन के करीब था, तभी डॉल पीछे मुड़ती है। ये नीचे गिरने वाला था, तभी ये लड़का उसे पकड़कर बचा लेता है। इसके बाद जब डॉल वापस रेड लाइट ग्रीन लाइट बोलती है तो ये दोनों सेफ एरिया में पहुँच जाते हैं। कई सारे प्लेयर मारे जाते हैं। ये सभी लोग रेड लाइट ग्रीन लाइट मौत का खेल खेलने के बाद अगले गेम में आ गए हैं। इन सब से कहा जाता है कि वो किसी भी एक शेप को चुन ले। सभी शेप चुन लेते हैं। इसके बाद सबको एक एक बॉक्स दिया जाता है, जिसके अंदर उसी आकार की कैंडी बनी होती है जिसका शेप इन्होंने चुना था। इन सबको टाइम खत्म होने से पहले उस शेप को बाहर निकालना है। ये सब तुरंत स्टिक से शेप को बाहर निकालने में लग जाते हैं। जिसकी भी शेप टूटती है तो ये लोग उसे मार देते हैं। ये आंटी तो बड़ी ही हैवी ड्राइवर निकली। ये लाइटर से स्टिक गर्म करके उससे शेप को आसानी से निकाल लेती है। इस लड़के ने भी आसान शेप चुनी थी, इसकी शेप भी निकल जाती है। ये बूढ़े चचा सबसे ज्यादा मजे ले रहा है। जो जनता है कमेंट में बताए कैसे। अब इस लड़के की तो वॉट लगी पड़ी। इसने अम्ब्रेला शेप को चुना था। इस शेप को निकालना सबसे ज्यादा मुश्किल है। ये लड़का इसे निकालने की कोशिश कर रहा था। टाइम बहुत कम बचा है, तभी इसका पसीना कैंडी पर गिरा। इसने देखा कि कैंडी पसीने से पिघल गई। इसने कैंडी को पीछे से चाटना शुरू कर दिया। टाइम खत्म होने से पहले ही इसका अम्ब्रेला भी बाहर आ गया और ये बच गया। लेकिन इस गेम में कई सारे प्लेयर मारे जाते हैं। इन सभी लोगों को आज एक नया डेथ गेम खेलने के लिए यहाँ लाया जाता है। सबसे कहा जाता है कि सब लोग 10-10 लोगों की टीम बना लो। जब सभी लोगों की टीम बन जाती है तो ये सब इन्हें बताते हैं कि तुम्हारे बीच टग ऑफ वॉर गेम होगा। जो टीम जीतेगी वो बच जाएगी और जो हारेगी तो उस टीम के सभी लोग मर जाएंगे। अब इन दोनों टीमों के बीच पहला गेम होता है। इस टीम में तो सभी तगड़े प्लेयर्स थे, जो दूसरी टीम के पिद्दी से प्लेयर्स को आसानी से खींचकर गिरा देते हैं। वो सभी लोग नीचे गिरकर मर जाते हैं। अब दूसरा गेम इन दो टीमों के बीच होता है। इस टीम में तो कोई भी ज्यादा ताकतवर नहीं था। ये सब गेम कैसे जीतेंगे? तभी ये बूढ़े चचा कहते हैं, चिंता न कर बचुआ, मेरे पास गेम जीतने की स्ट्रेटजी है। तभी ये कहता है, बुढ़े अंकल आपसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, आप क्या हमें जितवाएंगे? लेकिन गेम शुरू होने के बाद अंकल तो छा जाते हैं। वो सबको प्लान के हिसाब से चलाते हैं और मेंढक की तरह उछल उछल कर रस्सी खींचवाते हैं। सामने वाली टीम का लीडर भी सोचता है, मुझे अपने घर जाना है। अब दूसरी टीम नीचे गिरकर हार गई और ये जीते गए। बुढ़े अंकल की स्ट्रेटजी ने आज इन्हें गेम जितवा दिया। लेकिन इस गेम में भी कई प्लेयर्स मर गए। ये सब मौत के खेल खेलते हुए यहाँ तक आ गए हैं। अब काफी कम प्लेयर्स गेम में बचे हैं। इन सब लोगों को एक नए गेम में ले जाया जाता है। सबसे कहा जाता है कि सबको अपना अपना एक पार्टनर चुनना है। सभी अपना पार्टनर चुनने लगते हैं। इस औरत को कोई भी अपना पार्टनर नहीं बनाता। अब गार्ड्स आकर उस औरत को कहीं ले जाते हैं। इसके बाद सभी प्लेयर्स को प्लेग्राउंड में ले जाकर कंचे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि तुम्हें टाइम खत्म होने से पहले अपने पार्टनर से सारे कंचे जीतने हैं। जो प्लेयर अपने पार्टनर के कंचे जीत लेगा वो बच जाएगा और जो हारेगा वो मर जाएगा। ये कर सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि सबने अपने सबसे करीबी दोस्त को अपना पार्टनर बनाया था और उन्हें एक दूसरे की जान का सौदा करके आगे बढ़ना है। अब टाइम शुरू होता है। सभी लोग अपने पार्टनर के साथ कंचों से खेलने लगते हैं। ये दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे, लेकिन अब ये लड़का कंचों में हार जाता है। मगर ये जान बचाने के लिए अपने ही दोस्त को धोखा देकर उसके सारे कंचे चुरा लेता है और गार्ड्स को देकर यहाँ से निकल जाता है। गार्ड्स उसके दोस्त को मार देते हैं। ये दोनों पति पत्नी थे, लेकिन इन्हें अपने प्यार को खोना पड़ता है। ये आदमी इन बुढ़े अंकल के साथ कंचे खेल रहा था। बुढ़े अंकल सारे कंचे जीत रहे थे, इसके पास एक ही कंचा बचा था। तभी इसने देखा कि अंकल को भूलने की बीमारी है। इसने न चाहते हुए भी अपनी जान बचाने के लिए अंकल की बीमारी का फायदा उठाया और अंकल के सारे कंचे जीत लिए। आखिर में सिर्फ आधे लोग ही गेम को जीतकर आगे बढ़े और बाकी सब मर गए। दोस्तों, अब यही लोग इन डेथ गेम्स में बचे हैं। इन्हें गेम में ले जाया जाता है। इस गेम में इन सबको ग्लास पर कदम रखकर एक तरफ से दूसरी तरफ जाना है, लेकिन हर लाइन में दो ग्लास है। सही ग्लास दो इंसान के वजन को सह सकता है, जबकि गलत ग्लास पर कदम रखते ही वो टूट जाएगा और प्लेयर नीचे गिरकर मर जाएगा। अब टाइम स्टार्ट होता है। प्लेयर नंबर एक पहले जाता है। एक बार वो सही ग्लास पर पैर रखता है, लेकिन दूसरी बार वो गलत ग्लास पर पैर रख देता है, जिससे ग्लास टूटता है और वो नीचे गिर जाता है। अब ये आंटी जाती है, लेकिन ये भी गलत ग्लास पर पैर रखकर नीचे गिर जाती है। अब ऐसे ही कई प्लेयर्स आगे बढ़ते हैं और नीचे गिरकर मर जाते हैं। इससे पीछे वाले प्लेयर्स
को पता चल जाता है कि सही गिलास कौन सा है, वो सब आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन अब ये गैंगस्टर सबसे आगे है और इसे आगे जाना है। ये आगे नहीं जाता और दूसरे प्लेयर को जबरदस्ती आगे भेजता है, जिससे इसे सही गिलास का पता चल जाता है और ये आगे बढ़ता है। लेकिन ये हैवी ड्राइवर आंटी आकर गैंगस्टर को पकड़ कर कहती है, भूतनी की मैं मरूंगी तो तुझे साथ लेकर, ये कहकर वो उसके साथ नीचे गिर जाती है। अब बस ये चार प्लेयर्स बचे हैं। ये आदमी सही ग्लास को पहचान कर सबके साथ आगे बढ़ता है। अब बस एक ग्लास बचा था लेकिन टाइम खत्म होने वाला था, इसलिए ये प्लेयर इसे धक्का दे देता है, जिससे इन्हें गलत ग्लास का पता चल जाता है और ये सही ग्लास पर कदम रखकर दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। इन डेथ गेम्स में अब बस ये तीन प्लेयर्स बचे हैं। इन सबको अगले गेम से पहले एक अच्छा डिनर दिया जाता है। आखिर में तीनों के पास एक एक चाकू बचता है। तीनों जान बचाने के लिए चाकू अपने पास रख लेते हैं, लेकिन रात में ये लड़का एक लड़की को मार देता है और गार्ड्स आकर इस लड़की को यहाँ से ले जाते हैं। अब बस ये दोनों प्लेयर बचे हैं। इन दोनों को आखिरी गेम में ले जाया जाता है। इस आखिरी गेम का नाम एक स्क्विड गेम। ये गेम किसी भी एक प्लेयर की मौत के साथ खत्म होगा, यानी इस गेम में जीतो या मारो वाली सिचुएशन है। अब ये दोनों गेम खेलना शुरू करते हैं। इन दोनों के पास अब चाकू होता है और इन दोनों में फाइट होने लगती है। दोनों ही जीतने के लिए आपस में लड़ रहे हैं, जबकि बचपन में ये दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। लेकिन अब ये लड़का अपने ही दोस्त को चाकू से मारने वाला था, तभी हाथ ये चाकू को रोक लेता है। फिर ये लड़का उसे मारकर गिरा देता है, लेकिन ये उसे चाकू से नहीं मारता और इस गेम खत्म करने की मांग करता है ताकि वो अपने दोस्त की जान बचा सके। उसके दोस्त ने जब ये देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने दोस्त की इतनी कुर्बानियां जाया होने से बचाने के लिए अपने चाकू से अपनी जान ले ली। इसके बाद वो मर गया और ये लड़का इन सभी डेथ गेम्स का विनर बना। इसे करोड़ों रुपए मिले, लेकिन इतनी सारी मौतें देखने के बाद और अपनी मोम जिनका इलाज करवाने के लिए वो गेम खेल रहा था उन्हें भी खोने के बाद इन पैसों का कोई फायदा नहीं है। लड़का अब काफी दुखी होकर अपनी जिंदगी बीतता है।